कैसे हैं आप सब लोग। और हम तो बहुत बढ़िया हैं। रात के बज रहे हैं 8:30 और आज प्लान किया है छोटा सा मूवी डेट, क्योंकि आज मेरा सारा दिन छुट्टी का था और फिर शाम को मैंने कहा चल थोड़ा बहुत तो कुछ नाइट आउट कर लेते हैं या बाहर निकल के घूम लेते हैं। देन वी डिसाइड, वैसे यूजुअली हम लोग चंडीगढ़ चले जाते हैं बट आज टाइम नहीं था तो हम यहाँ बद्दी में ही मूवी देखेंगे। क्या नाम है मूवी का? शिंदा शिंदा नो पापा, जो कि मेरे को बहुत ऐसे आवाज से ही लग रहा है कि नहीं अच्छी नहीं होगी। मेरा तो एक और गॉडजिला देखने का मन था बट क्या कह सकते हैं, मेरी शादी हो गई इसलिए मन का थोड़ी ना होगा। चलो मैं बताती हूँ, वैसे मेरे को पता ही है कैसा रिव्यू रहेगा, कैसा हुआ मूवी। जाने से पहले हम लोग आ गए हैं शॉप पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट काम था फिनिश करने के लिए और अभी मूवी में भी टाइम है। बद्दी में दो थिएटर हैं, एक तो ये जो बिग बाजार कॉम्प्लेक्स में है और दूसरा मोतिया प्लाजा वाले कॉम्प्लेक्स में था, बट उसमें आजकल शो लग नहीं रहे काफ़ी टाइम से, पता नहीं किस वजह से। तो फिर हम यहाँ पे इस बिग बाजार वाले में आए हैं और फिर इनकी मोनोपोली है, देखो टिकट्स वगैरह कितने की होती है। आज कुछ खाने के लिए तो लाए नहीं हम, और ये थिएटर के अंदर घुसते ही हम लोगों को लगने वाला था बहुत बड़ा शॉक, जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। आज तो फिर इतना बुरा हो गया जितना किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, क्योंकि वो मूवी कैंसिल कर दी। छोटा थिएटर है उसकी वजह से ये लोग तब तक चलाते ही नहीं है मूवी जब तक 10 या 12% ना हो, और वहाँ पे हम दो ही लोग थे तो उस वजह से हमने मूवी कैंसिल कर दी। देन वी डिसाइड कि बसंती बाग जाके वो डोसा खा लेते हैं, क्योंकि वही मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है, बाहर का कुछ भी आड़ कबाड़ खाने से अच्छा है। बट रात के 9:30 बज चुके हैं तो डोसे वाला भी चला गया। अब फाइनली वी डिसाइड कि घर का ही खाएंगे। हेलो कमरे, क्या तूने मुझे मिस किया? नहीं किया ना, मैंने भी नहीं किया। अब बारी थी दुख के साथ, डिनर भी प्रिपेयर करना था तो फिर सबसे पहले मैंने अपने लिए ओट्स बनाए और बाकी के लिए दिन की भिंडी बची हुई थी और शाम को हम लोग आते हुए राजमा ले आए थे और उसके साथ रोटी बना दी। और मैं तो रात को लाइट खाना ही खाती हूँ, जैसे कि ओट्स हो गए, खिचड़ी हो गई, पोहा हो गया, या फिर अगर मैं रोटी या मुझे प्रॉपर डिनर करना है तो मैं वो प्रेफर करती हूँ कि 7 बजे से पहले पहले खा लूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 7:30-8 बजे तो मैं शॉप से ही आती हूँ। बट सबको ऐसा करना चाहिए क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो ओट्स के लिए वही मैंने सारी की सारी वेज जितनी मेरे फ्रिज में पड़ी हुई थी सब की सब चॉप कर ली, जिसमें कि आ गया आपका गोभी, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, और ओट्स को मैंने थोड़ी देर 5-7 मिनट तक सोख करके रख लिया था। और उसके बाद मैंने सारी सब्जियों को सिर्फ 1 चम्मच तेल डाल के सोटे किया है और देन उसमें खड़े मसाले ऐड करने के बाद ओट्स डाल दिए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको 2 या 3 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद ये जब कंसिस्टेंसी मिल जाए आपको, मीन्स इसको ना ज़्यादा थिक करना, ज़्यादा ना ज़्यादा लिक्विड करना है, नहीं तो आपको खाने में टेस्ट नहीं आएगा। इस पे जब ये बन के रेडी हो जाए तो आपने खा के इसको इंजॉय कर लेना है। देन ओट्स के साथ हमने डिसाइड किया कि अमेज़ॉन प्राइम पे एक मूवी थी नेहरू, जो मैं काफ़ी टाइम से देखना चाह रही थी, साउथ इंडियन मूवी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, वो देखने के बाद 1 बजे हम सो गए। बाय बाय।